हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस फिल्म का रिव्यू करेंगे उसका नाम है कास्ट अवे। ये एक सर्वाइवल एडवेंचर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रॉबर्ट ज़ेमेकिस ने। इस फिल्म पे आप मेन कास्ट पे टॉम हैंक्स को देख सकते हैं, वो चाक नोलन का कैरेक्टर प्ले किया है। सर्वाइवल मूवी और समुंदर, इन सब का बात पहले ख्याल में आते ही हमारा दिमाग पे पहले कास्ट अवे का नाम आता है। अगर आपको सर्वाइवल मूवी, एडवेंचर और सी पसंद है तो आप इस फिल्म को ज़रूर देख सकते हैं। यह फिल्म आपके लिए ही है। इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए, इसका रिव्यू पूरा सुनिए। पहले मैं इसका स्टोरी के बारे में बात करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चाक, जो फेडेक्स एक इंटरनेशनल कंपनी का मैनेजर है, फिर एक दिन उसे एक काम से मलेशिया जाना पड़ता है और मलेशिया जाते टाइम उसका प्लेन क्रैश हो जाता है और उसके बाद वो समुंदर में गिर जाता है और एक सुनसान टापू पे फंस जाता है और उसके अलावा वहाँ पे कोई नहीं रहता है। और वो चाक कैसे उस सुनसान टापू पे सर्वाइव करता है ये आप देख सकते हैं, और कैसे चाक वहाँ पे मिले हुए चीज़ों को इस्तेमाल करके और कैसे वो नेचर का इस्तेमाल करके वहाँ पे सर्वाइव करने की कोशिश करता है और आखिर में क्या होता है, वो बच पाता है या नहीं, वो अपने घर लौट पाता है या नहीं, इसके ऊपर ही पूरी स्टोरी आधारित है। इसका एग्जीक्यूशन का बात करें तो इसका एग्जीक्यूशन बहुत ही अच्छा है। ये 2000 का फिल्म है, उस टाइम जो एग्जीक्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है पूरा मज़ा आ गया। और इस सर्वाइवल और एडवेंचर को इतना रियलिस्टिक बनाने का कोशिश किया गया है कि आपको देख के बहुत ही अच्छा लगेगा। ये सर्वाइवल इतना रियलिस्टिक है, आप देख के आपको ऐसा लगेगा कि सच में कोई सर्वाइव करने का कोशिश कर रहा है, अब उसका लाइव फुटेज देख रहा है। तो इसका एग्जीक्यूशन इतना अच्छा है कि आप शुरू से इस फिल्म के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और इसका हर एक पार्ट आप फील कर पाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो चाक का जो तकलीफें है, वो जो अकेलापन है उसका, उसका ठीक से खाना नहीं मिल पाना, ठीक से बहुत जितना प्रॉब्लम्स है, हर एक प्रॉब्लम्स जैसे हम फील कर पाते हैं। अब इसका स्क्रीन प्ले, इसका स्क्रीन प्ले मुझे एवरेज लगा, क्योंकि एक सर्वाइवल फिल्म है, ठीक है इसका एवरेज स्क्रीन प्ले चलता है, मगर इसका जो मेन पॉइंट है वहाँ पर आने में ये फिल्म थोड़ा टाइम लेता है। मतलब ये फिल्म धीरे धीरे अपने पॉइंट पर आता है तो इसके स्क्रीन पे थोड़ा स्लो हो गया है। अब इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट, इस फिल्म में ज़्यादा कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया, सिर्फ लीड कैरेक्टर मतलब चाक मींस टॉम हैंक्स के ऊपर ही पूरा फोकस किया गया है। उसके अलावा जो कुछ कैरेक्टर्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे नहीं है, कुछ थोड़ा ही टाइम पे है, मगर जितना टाइम पे है उतना अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया गया है। मतलब यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है चाक, उस कैरेक्टर को यहाँ पे जिस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, डेवलप किया गया है, उसके साथ आप शुरू से इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उसका जो तकलीफ है, उसका जो फीलिंग्स है, वो कहीं ना कहीं हम फील कर पाते हैं। बट इस फिल्म का डायरेक्शन, रॉबर्ट ज़ेमेकिस का डायरेक्शन लेकर तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत लोग जानते हैं उसके डायरेक्शन के बारे में, वो मेरा भी एक बहुत ही फेवरेट डायरेक्टर है। और उसका जो मूवी है फॉरेस्ट गंप, बैक टू द फ्यूचर, ये सब मूवी मास्टरपीस से कुछ कम नहीं है। इस फिल्म में भी उसने जो डायरेक्शन किए हैं, हर एक छोटे से छोटी बात को इतने अच्छी तरीके से दिखाया गया है। जैसे आप देख सकेंगे कि टॉम हैंक्स मतलब चाक का जो फिजिकल था, मतलब वही हादसा होने से पहले वो कैसा था, और धीरे धीरे जब वो हादसा होता है और सर्वाइव करते दौरान कैसे उसका बॉडी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होता है, हर एक चीज़ यहाँ पे इतने अच्छी तरीके से दिखाया गया है, आपको देख के बहुत ही अच्छा लगेगा। डायरेक्शन इस फिल्म का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये आप बोल सकते हैं। उसके अलावा इस फिल्म का जो एडिटिंग है, कैमरा का काम है, BGM है, हर एक जगह पर यह फिल्म बहुत ही अच्छा है। अब इसका एंडिंग, इस फिल्म का एंडिंग भी बहुत ही अच्छा है। मतलब इस फिल्म को जिस तरीके से एंड किया गया है आपको देख के अच्छा लगेगा और लॉजिकल भी है। तो इस फिल्म को आप एक परफेक्ट सर्वाइवल और एडवेंचर फिल्म कह सकते हैं। अगर आपको एडवेंचर और सर्वाइवल मूवी पसंद है, अगर आप इस फिल्म को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इस फिल्म को ज़रूर देख लीजिए। ये फिल्म आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही बहुत सारा मूवी और वेब सीरीज़ का रिव्यू पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक टेक केयर। जय हिंद।